कुछ नियम ही ऐसे थे, हमारा और कृष्ण का ही नंबर रहा। गुरु माता कृष्ण को नहीं भेजना चाहती थी क्योंकि मैया बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि कृष्ण ही हमें सबसे छोटे थे। परंतु गुरु आज्ञा को कोई भी टाल नहीं सकता। जब हम जाने लगे तो गुरु माता ने मुझे बुलाया, चुपके से बुलाया, अरे बेटा सुदाम। हाँ मां, मेरा कनुआ छोटा है, जंगल में जाएगा भूख लगेगी, इसके लिए कुछ प्रसादी ले जा, कुछ चवेना ले जा। हे भावनी, मौसम कौन भयो मित्र घाती, मेरे समान कौन मित्र का घाती होगा। गुरु माता ने दिए चवेना, मुझे गुरु माता ने चवेना दिए कि काना भूख सताती, मौसम कौन भयो मित्र घाती, कि मेरे काना को भूख लगेगी, तू चना ले जा, ये चवेना ले जा। हे भावने, हम जंगल में चले गए। मौसम कौन कठोर है जग में, भूख न खाते अधाती, मौसम कौन भयो मित खाती। न जाने कोई ब्राह्मण की जठराग्नि समस्त मर्यादाओं को तोड़ने वाली हो गई। धिक्कार है, अरे तुम बताओ सही बात क्या है। कि भावनी, हम श्रमदा इकट्ठी कर रहे थे, उसी समय एकाएक घटाएं गिर आई, दामनी दमकने लगी, तेज हवाएं के झोंके चलने लगे, बरसात होने लगी। मानो एकाएक अंधकार ने पूरे वन को घेर लिया। हम दोनों मित्र वृक्षों का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ गए, कहीं कोई हिंसक पशु ना आ जाए, थोड़ी देर हम वहीं विश्राम कर लेंगे। दोनों अलग अलग हो गए। बरसात चलती रही, वो चबेना मेरे ही पास थी। ये कृष्ण को भी मालूम था कि गुरु माता ने कुछ खाने को दिया है। हे सुशीला, यहां से आगे तो मुझसे बोला भी नहीं जाता। गुरु माता ने अचला बांधे, अश्वन भीगे जाती, कहती यशोदा दियो संदेशा, काना भूख सताती, मौसम कौन भयो मित घाती। हरि भावनी, यशोदा ने विशेष करके कहा था, गुरु माता ने मुझसे संदेशा दिया कि मेरा काना भूखा नहीं रहता, बल्कि चलों को देख करके मैं मानो मित्रता को भी मैंने अलग रख दिया, खाना प्रारंभ कर दिया। जब मैं चलने को खाने लगा तो किसने की दृष्टि मेरी ओर हुई, इशारा किया, भैया हाँ तुम कुछ खा रहे हो। मैंने मुंह फेर लिया, नहीं भैया मैं कुछ नहीं खा रहा। हे भावनी, मैंने झूठ बोल दिया, नहीं तुम कुछ खा रहे हो, नहीं भैया ठंड की वजह से कुछ ऐसा भ्रम तुम्हें हो गया होगा। पर भावनी में खा रहा और थोड़े थोड़े करके मैं संपूर्ण चनों को खा लिया। मेरो जैसो कौन कुटन हो, कौन मित्र को घाती, और पुन पुन मांगे चार चवेना, भावन बढ़ती जाती, कृष्ण मुझसे बार बार मांगता रहा पर मैं खाता रहा। और कह दिया बरसात थमने के बाद जा सुंदर स्थान होगा वहां खा। ऐसा ही हुआ, बरसात रुक गई, आकाश साफ हो गया,
शीतल मन सुनने पायु चलने लगे। वृक्षों से उतर गए, सामना ने एक चार कदम चले, किसने मेरा पल्लू पकड़ लिया। हे सुदामा भैया, कुछ है तो खा ले, भूख लग रही है। फिर भी मैंने मिठा बोल दिया कि आगे खा लेंगे। किसने इसी तरह बार बार आग्रह करते रहे। अंत में उन्होंने मेरी पीता पर खींच ली, सुदामा अब हमसे नहीं चला जाता, कुछ खाने के लिए है तो देता क्यों नहीं तू। भावनी मैंने सहजे खड़े होकर के मुस्कुरा के कह दिया कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैंने चले तुम्हारे भी खा लिए। भावनी वो कृष्ण की सूरत मुझे आज भी दिखाई देती है। वो अब खड़े रह गए, उन्होंने विशेष तो कुछ नहीं कहा, केवल इतना कहा कि भैया भूख मुझे भी लगी थी और मृतता में कुछ छुपा नहीं होना चाहिए। हम गुरुकुल में पढ़ते हैं, आज हमने अर्थात मेरा नाम लेकर के मेरी ओर इशारा करके कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया कि गुरु की मर्यादाएं भी तोड़ी है और मृतता क्या बोला, अच्छा तुमने परिणाम नहीं किया। हे मित्र, ये संपन्नता के लक्षण नहीं है। भावनी मुझे आज भी बुद्धि नहीं आ रहा है। सत्य है कहावत, कुर्से कपट और मित्र से चोरी, कह हो निर्धन कह हो। मैंने गुरु से भी कपट किया और मित्र से भी मैंने चोरी की। तू ही बता मैं कैसे कृष्ण के सामने चला जाऊं। मैंने कई बार विचार किया कि उसका मैं ऋणी हूं, इस ऋण को मैं उतार दूं, परंतु एक पन के बाद दूसरा पन, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे से चौथा पन आ गया, परंतु मैं उसके ऋण को ना उतार सका। भावने में टूट गया हूं, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। घुटनों के बल बैठ गए। सुशीला उनके सर को सहलाने लगी। हे स्वामी क्षमा करेंगे, परंतु आपने ऐसी बात पहले क्यों नहीं बताई। यदि आप ऋण उतारना चाहते हैं, हाँ बीते दिवस चार पन बीते, भामिन नींद न आती, ऋण को भार उतार न चाहो, माया जानी न जाती। हे भावनी मैं ऋण का भार उतारना चाहता हूं। ठीक है, आपका भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देता है, आज भिक्षा के लिए मैं जाऊंगी, परंतु शर्त एक ही है कि जो कुछ भिक्षा में मिलेगा वो माधव का ही होगा, उन्हीं का वो कर्जा होगा और उन तक तुम्हें पहुंचाना पड़ेगा, ये मेरी शर्त है। सुदामा बेचारे अवाक रह गए। हे भावनी, मैंने कभी आशा नहीं करी थी कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। मैंने देवताओं के सामने संकल्प लिया कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा सुरक्षा और भोजन व्यवस्था करूंगा, फिर तुम्हें हार गया। धिक्कार है मेरे पुरुषार्थ के लिए, धिक्कार है। सुशीला कह रहे, स्वामी आप निराश ना हो, आज मैं जाऊंगी, मैं माधव के लिए तो जा रही हूं, मैं भी तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मेरा भी तो कुछ अधिकार है। सुशीला चल देती है मांगने के लिए, दरवाजों को टटोलती है, जो दरवाजा खुलता है वही बंद हो जाता है, सूरत देखते ही बंद हो जाता है। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक पहुंच
पहुंचती है, दरवाजे बंद होते चले जाते हैं। अंत में एक मान दरवाजा रह गया, आवाज लगाई, बहन मीरा ये दरवाजा खोलती है तो बंद मत करना। ये अभागिन सुशीला खड़ी है दरवाजे पर, कुछ इसकी बात सुन लेना। दरवाजा खुला, उसके सामने अपनी बात रखी, बहन कहे, हे बहन इनकार मत करना, तेरे पास जो कुछ हो मुझे दे दे, मेरे स्वामी द्वार का जाएंगे, कुछ भेंट को चाहिए, कुछ तो दे दे तेरे पास हो। हे सुशीला, हम लोगों के पास क्या है, पंडित जी कथा कह के आए हैं, कुछ चावल लेके आए, कुछ मेरे बच्चों को खिला दिए, कुछ पड़े हैं, तुझे चाहिए तो ये सब बात है। भूखा जाने स्वाद व्यंजन रतिया न निंदिया आ रही, निर्धन को क्यों दे सहारा, जग शिव्या चरचवर गुलाबी। भूखा ही जानता है भूखे की भाषा, जो सोने के टुकड़ों में पला हो उसे क्या पता, जिसने भूख देखी ना हो उसे कुछ नहीं पता होता। मगर इमली समझ गई कि कोई ना कोई आपत्ति काल है, बहन ले जा सुशीला कोने में, उन चावलों को फूक फूक के अपने पल्लू में बांधती जा रही है, बार बार सोचती है कहीं मीरा मने ना कर दे, अंत में कहीं ना ही ना कर दे, जैसे तैसे ले लिया। घर पहुंची तो बच्चों ने देखा माँ कुछ लेके आई है, हाथ बढ़ाया माँ, बस सुशीला ने नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जैसे जैसे उन चावलों को सुधा माँ को दी, सुधा माँ पल्लू खोलते चले गए, खोलते अबाक रह गए, मेरे माधव के लिए आज भेंट में ही मिला है। रो पड़े, रो पड़े, गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे तू क्या रोया न होगा, गरीबों की किस्मत बनाने से पहले मुझे को बता दे क्या तू रोया न होगा, गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे तू क्या रोया न होगा, गरीबों की किस्मत। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए, आंगन में घुटनों के बल बैठ गए, रे माधव मैं ही अभागा था, आज मुझे मालूम हुआ कि मेरी पत्नी का भी भाग कोई विशेष नहीं, जो तेरे लिए संकल्प लेकर के गई थी उसे टूटे हुए चावल मिले, तेरे सामने कैसे आऊं इन्हें लेकर। पर सुशीला को ये बात करती है, सुदामा जी बेहोश हो जाते हैं, हे माधव मैं तेरी शरण में हूं, अब चला भी नहीं जाता। मूर्छा छा जाती है, बटछाओं में सुस्त आने के लिए नेक थोड़ा बैठते हैं, नींद ने घेर लिया। जो घटघट की जानने वाला है वो सबका सुगम मार्ग कर देता है, जहां नदियां आई तो नदी नाबक बन के पार कर देता है। वास्तविकता है कि अपनी थोड़ा विश्वास कर ले, बस थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा छोड़ना कुछ नहीं है, ना घर छोड़ना, ना पैसा छोड़ना, ना पत्नी छोड़नी, ना खेत खलियान छोड़ना, ना पति, कछु मत छोड़ो, नहीं की केवल मान लो, छोड़ के भगवे की बात नहीं है, तो तुम भग के जाओगे, तुम कह सके कि वहां फंस जाए, कुछ फंसवे की पता ना है, फंसते जब कहा जाए, विश्वामित्र जंगल में ही चले गए,
शास्त्रों में आते हैं विश्वामित्र जंगल में चले गए और बहुत छोड़ के गए, पत्नी छोड़ के गए, बच्चे छोड़ गए, सब चीजें छोड़ छोड़ के गए। पता है तुम्हें व्याकरण लियो फिर मिलने वहां नहीं पता। एक सुंदर स्त्री दिखाई दे गई, देवताओं के पास से आई हुई थी। भाई देवी कैसे घूम रही हो? भाई बाबा मेरे कोई ना है, देवताओं ने दुत्कार दी हूं, फटकार दी हूं, मेरो नाम मेनका है। अरे मेनका नाम तो कुछ सुनियो सा लग रहा हूं। मैं जा झाका कर रही बाबा कोई ना है, कहां जाऊं, कौन के पास जाऊं, कोई अतो नहीं पतो नहीं, माता नहीं पिता नहीं, भाई ना बंधना सब। बाबा ने कही जब तेरे कोई ना है और जाको कोई ना बाकी तो हम हते, हमारे कोई ना आया, दो रोटी हमारी बना दीजिए। और दो रोटी बनते बनते घर गृहस्थी बन गई पूरी। उसका परिणाम शकुंतला नामक एक कन्या पैदा हो गई। सुना है दुष्यंत महाराज के लिए विवाह किया जाता जिनसे भरत पैदा होते हैं, उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ। तो ये पता नहीं, छोड़ने की बात नहीं कि बन जाने से ही काम बनेगा। तो वन में पहले से ही बहुत गर्गस्थी रह रही है, वनवासी रहते थे। ये जहां हो वहीं परमात्मा ने इसीलिए कहा है मया सर्वम इदं व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम, मैं सब जगह स्थित हूं, सब जगह प्रतिष्ठित हूं, हर जगह मेरी सत्ता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरी सत्ता नहीं। सिया राम मैं सब जगह, सब जगह है, हर जगह है जहां तुम प्रेम से उन्हें पुकारते हो। भाई द्रौपदी जंगल में पुकारती है तो वहां भी पहुंच जाते हैं, और कर्ण पुकार जब दुर्योधन की सभा में होती है तो वहां भी साड़ी बन के आ जाते हैं। मां सागपात बन के आ गए तो मां साड़ी बन के आ गए। कोई पुकार ले, सुधामा जी पुकार रहे हैं अपनी भूल का, उन्होंने सुधार करने का संकल्प ले लिया और पश्चाताप हृदय में कि माधव मुझसे अपराध हो गया, तेरे जैसे मित्र और किसी भी मित्र का मुझे अपराध नहीं करना चाहिए, मैं तेरी शरण में हूं। जब पुकारा तो माधव ने उनकी सहायता कर दी है और द्वारका के नजदीक छोड़ दिया। अब तो द्वारका के जो लोग घूमते हुए मिले, भैया ये कौन सा गांव है? बाबा ये द्वारका है। अब छह और सात में रिंदे हो गया, हम तो ब्रजवासी हैं, हमारे मतलब का है कि हम द्वारका की भाषा बोले। बाबा ये द्वारका है। मैं द्वारका, द्वारका तो हम जानो चाहे तो आए गए तुम तो द्वारका में। तो भैया एक बात बता, यहाँ कृष्ण को घर कहाँ है? अरे बाबा आप क्या कह रहे हैं, उनको कोई नाम नहीं ले बाबा, यहाँ वो द्वारकाधीश है, उनको नाम नहीं लिया जाता। अरे भैया वो हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं। बता द्वारका में घूमने वाले वो तो सब लोग ही संपन्नता से परिपूर्ण हैं। आश्चर्यचकित रह गए, बता जो फटाहाल व्यक्ति है जिसके पास कोई धन नहीं, संपदा नहीं, कोई सुंदरता नहीं, कोई सामान ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिससे कि मित्रता की बात कोई की जाए, मित्र कह रहा है हंस के, परंतु ब्राह्मण देवता लग रहा है। बाबा चले जा सीधा वो बड़ो सो दरवाजा, वहीं चला जाओ दरवाजे पे जाके वहां पहुंचते हैं। उनसे भी कहा कि भैया यही कृष्ण को घर है? वो एकाएक दरवाजे सिपाही तो सिपाही हो और सिपाही तो ज्यादा होम गार्ड लग जाता है, कल भाई देखो फिर वो तो बिल्कुल एक कृष्ण को घर कृष्ण द्वारकाधीश महाराज अच्छी प्रकार से बोलते हो तो बोलिए नहीं तो निकल जाओ यहां से। अरे भैया वो हमारे मित्र है। अरे फिर बात बता तुमसे मित्र कहां राजा भोज और कहां गंगू? जब बार बार उन्हें फटकारते बार बार वही एक सिंह उदासीन है आंखन में आंसू आए कि इतनी दूर आए हो, और हो सकता है ऐसा जब आंसू आए किसी को दया आ गई, बल्कि रे रुको भाई ये कहां से आए, पूछ तो लीजिए सब। उन्होंने बताया भैया हम छोटे छोटे जब पढ़े कायसंग संघ भी पढ़े, गुरुकुल में गुरु संदीपन जी के जहाँ
तब की मित्रता है। किसी को लगा ऐसा कि कोई दूर से आया है तो कुछ उनसे कह दिया जाए, भैया मेरा संदेश ही पहुंचा दो, वो ना मिल पाता था। जैसे ही द्वारपालक ने आके बताया, एक फटेहाल ब्राह्मण है जिसके सर पर कोई पगड़ी भी नहीं है, तन पर बढ़िया कोई वस्त्र नहीं है, अंगोछा भी नहीं है, लखुटिया है वो टूटी है, पांवों में भी कोई पन्ही आज नहीं है, बहुत गरीबी हालत लगती है, परंतु आप जैसा तिलक अवश्य है उसके, अपना नाम सुदामा कहता है। इतना नाम सुना कृष्ण भगवान तोड़ दिए, भैया सुदामा पीता मर पीछे रह गया, कहीं एक पन्ही है तो कहीं दूसरी पन्ही है, चिड़ियों को नहीं गिन पा रहे ना कदमों को जब पहचान पा रहे, दौड़े दौड़े चले आए दरवाजे पर आके, अंतिम दरवाजे में जैसे रुके, परंतु मां सुदामा ना दिखाई दिए, क्योंकि तब तक द्वार पर जो खड़े थे उन्होंने कहा हट जाइए, या मंत्रिमंडल आते रहते, मंत्री लोग आते हैं और राजा महाराजा आते रहते। कृष्ण पैदल ही द्वारका की गलियों में आगे बढ़ गए, भैया सुदामा, भैया सुदाम, सुदामा एक कोने में जाकर के कहीं बैठे थे, कृष्ण दौड़े आ रहे। जब सुदामा सुदामा सुना, सुदामा ने गौर से देखा, कोई राजा महाराजा जैसा आ रहा है, देवता जैसा आ रहा है, उनके हृदय ने पहचान लिया कि यही मेरा कृष्ण है, परंतु अपने को छुपाया कि नहीं मैं इसके सामने अब जाऊंगा तो ये कौन, ये इसे क्या पता कि मैं किस अवस्था में हूं, इसलिए मिलना नहीं चाहते थे। अब देख करके दूर से ही दुख, महलों को देख लिया, उनको देख लिया, समझ गए कि इनका अपमान होगा, पीछे हटे, परंतु किसने देख लिया, आकर के एक एक ही धड़ाम से चरणों में गिर पड़े। भगवान को चरणों में देख करके सुदामा भैया अब आख रहे हैं, कृष्ण नीचे रो रहे हैं, सुदामा ऊपर से रो रहे हैं, उठाने का प्रयत्न करते हैं, कृष्ण सहजता से उठते नहीं, बड़ी कठिनाई से उठे हैं। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हो बराबर में अपने बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ को वहां बिठा दिया जहां कोई दृष्टि भी ना डाल सके, कोई दृष्टि भी ना डाल सके, उस जगह पर बिठाया गया सिंहासन पर। कृष्ण नीचे बैठ जाते हैं, कुशलता पूछने की बात आई तो सुदामा ने एक ही बात कही, भैया जैसी तुम करी वैसी करे को दया के संग, ऐसी प्रीत दीन बंधु दीनन से माने को, दीनन से कौन प्रीति मानता है, इससे ज्यादा और मेरी कुशलता क्या होगी। रुक्मणी आज खड़ी है साहब, आश्चर्यचकित रह गए, माधव ने कहा ये ब्राह्मण देवता है, अरे भावनी जल ले क्या चरण पखारेंगे हम, परात ले गया खटोता ले गया, अरे सागरों का जल ले गया, पावन पवित्र जल ला
ये मेरा मित्र है, ये ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण है, तू लेके तो आ। रुक्मणी गई है, वो नीचे बैठे हुए, जलाने से पहले ही सुदामा के पैर हाथ से हाथ रख लिए, हथेली नीचे लगा ली। जैसे नीचे लगाई हथेली तो हथेली में कुछ चुभन हुई, जब चुभन हुई तो झुक के देखने लगे, जैसे झुक के देखा तो कांटे चुभे हुए, पत्थर समाए हुए, बेवाई फटी हुई, रक्त की बूंदें चो रही हैं उनमें से। ऐसे बेहाल बिवाय नशो पग कंटक जाल लगी, पग कंटक जाल लगे पुन जोए, पंकट जाल लगे पुन जोए, कांटों का जाल लग रहा है, बिवाई फटी हुई है, रक्त की धार अर्थात बूंदे बह बह करके सूख गई है, खुरंट बन गए हैं, आए सका दुख पायो महा तुम आए इते न किते दिन कोए, महा दुख पायो सका तुम आए इते न किते दिन खोए, आए इते न किते दिन खोए। हे मित्र, ऐसे दिवस कहां गवा दिए, उस पैरों की अवस्था को देख करके हाय निकली, हाय निकलती है ना जब कोई पीड़ा ज्यादा हो जाती है महसूस। हाय सका दुख पायो महा तुम आए इते न किते दिन खोए, आए इते न किते दिन खोए, आए इते न किते दिन खोए, एक सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निज रोए, सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निज रोए, एक सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निज रोए, देख सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निज रोए, पानी परात को हाथ छुओ नयन नंद के जल सो